नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अनिल टाइगर पे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आए हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने नीट के एग्जाम दिया है उन सभी के लिए एक खुशखबरी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा ये है कि हम जब भी नई वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि नीट काउंसलिंग का संभावित शेड्यूल जारी हो चुका है दोस्तों। 19 जून से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो ये आज की खबर है कि मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों पर दाखिले के लिए संभावित काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 19 से 24 जून तक चलेगी। 25 जून सुबह 10 से शाम 5 बजे चॉइस को लॉक किया जा सकेगा। 26 जून को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 27 जून को सीट अलॉटमेंट की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 28 जून से 3 जुलाई तक आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। दूसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 6 जुलाई से 8 जुलाई तक होगा। 9 जुलाई सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चॉइस लॉक करनी होगी। 10 जुलाई को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होगा। 12 जुलाई को सीट अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट आएगा। तो सेकंड राउंड का 12 जुलाई को रिजल्ट आएगा और 13 से 22 जुलाई तक रिपोर्टिंग करनी होगी दोस्तों। सेंट्रल डीम्ड व ESIC कॉलेज को के लिए मॉप अप राउंड के लिए 13 से 15 अगस्त रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 16 अगस्त सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चॉइस लॉक करना होगा। 18 अगस्त को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। 20 से 26 अगस्त तक कॉलेजों में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो दोस्तों ये नीट काउंसलिंग का संभावित शेड्यूल है जो 19 जून से इस रीट की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है और जिनके अच्छे नंबर आए हैं नीट में, तो वे सभी विद्यार्थी इस रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें सभी दोस्तों, क्योंकि काउंसलिंग के 8-10 दिन बाद इसमें या 5-7 दिन बाद लगभग आपका सीट अलॉटमेंट होगी। तो वहाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार कर लें। जो भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो पहले ही बनवा कर तैयार रखें दोस्तों। तो 19 जून को ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों ये आज का सबसे बड़ा अपडेट रहा है सभी नीट विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि जो भी विद्यार्थी इस न्यूज़ के बिना वंचित रहे हैं उन तक ये खबर पहुंच सके और वो भी अपनी काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाएं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नई अपडेट आए या फिर कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।